नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की आज की बैठक पर सस्पेंस, पार्टी करेगी सरकार बनाने का दावा, गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की रेस में एमएल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के नाम सबसे आगे, आज होगी विधायक दल की बैठक, दिवाली के बाद हो सकता है शपथ ग्रहण। ई नीलामी से होगा कोयला खदानों का आवंटन, सरकार ने अध्यादेश लाने को दी मंजूरी, कोयला आयात पर घटेगी निर्भरता। मंगल ग्रह से गुजरते साइरिंग स्प्रिंग धूमकेतु से बाल बाल बचा भारत, अमेरिका और यूरोप के मंगलयान इसरो ने बचने के लिए किया था ऑर्बिट पाथ करेक्शन। धनतेरस में बढ़ी बाजारों की रौनक, मेक इन इंडिया सामानों की मांग में तेजी, फीका पड़ा विदेशी सामानों का आकर्षण। महाराष्ट्र में सरकार गठन की तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने भी कल बैठक करके आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बीच बीजेपी शिवसेना या एनसीपी से समर्थन लेने पर फिलहाल कोई फैसला नहीं कर पाई है। पार्टी विधायक दल की आज की बैठक पर भी सस्पेंस बना हुआ है। महाराष्ट्र में जीते बीजेपी विधायकों का मुंबई पार्टी कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। बीजेपी के सामने दो विकल्प हैं। वो पुरानी सहयोगी शिवसेना से फिर गठबंधन कर सरकार बना सकती है। शिवसेना बीजेपी से गठबंधन पर फिलहाल कुछ नहीं बोल रही। जो मैंडेट महाराष्ट्र में है, इसमें स्पष्ट है कि मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का ही बनेगा। विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद हम राजभवन जाकर के अपने मुख्यमंत्री पद के लिए जो हमारी दावेदारी है वो पेश करेंगे। आई थिंक मिस्टर राउत हैज मेड इट क्वाइट क्लियर दैट पार्टी प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे विल टेक द डिसीजन अकॉर्डिंगली। एनसीपी ने भी बीजेपी को समर्थन का प्रस्ताव दिया है। एनसीपी विधायक दल के नेता चुने गए अजीत पवार पार्टी के प्रस्ताव को राज्य में स्थिरता से जोड़ते हैं। स्टेबिलिटी आने के लिए वैसा डिसीजन पार्टी ने लिया है, किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, इसीलिए अगर फिर वापिस लोगों के सामने चुनाव के लिए जाना पड़ेगा तो कैसा रहेगा, लोग भी नाराज हो जाएंगे। ऐसा बार बार चुनाव तो बिल्कुल किसी को पसंद नहीं है। महाराष्ट्र कांग्रेस नेताओं ने बीती रात बैठक कर हार की वजहों पर चर्चा की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने जानना चाहा कि क्या बीजेपी आरोपों से घिरी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। चाल चेहरा और चरित्र की बात करने वाली वो पार्टी जिन्होंने इसी चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल को हफ्ता वसूली पार्टी कहा और दूसरी राजनीतिक दल को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा, अब वो उनमें से क्या हफ्ता वसूली करने वालों के साथ जाएंगे या नेचुरली करप्ट पार्टी के साथ जाएंगे, जो उनके शब्द हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी को 122 और उसकी सहयोगी राष्ट्रीय समाज पक्ष को एक सीट मिली है। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में पार्टी को साधारण बहुमत के लिए 22 विधायकों का समर्थन चाहिए। राजकमल राव, राज्यसभा टीवी, मुंबई। और मुंबई से हमारे संवाददाता राजकमल राव हमारे साथ जुड़े हैं। राजकमल, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा पहले कल जाने वाले थे, फिर आज के लिए से टाला गया और आज भी वो जाएंगे, ये बैठक होगी या नहीं इसको लेकर अभी भी आशंका है, साफ नहीं है। क्या किसी स्ट्रैटेजी के तहत बीजेपी इसको टाल रही है? क्यों अपने पत्ते उतने साफ तौर पर आगे नहीं रख रही है बीजेपी? प्रीति, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। भाजपा के जितने सारे विधायक चुन के आए हैं, उन सब लोगों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि चुनाव के काउंटिंग के अगले दिन ही मुंबई पहुँचना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनके विधायक विदर्भा इलाके से चुन के आए, वहाँ पे नागपुर के अलावा और कोई एयरपोर्ट नहीं है और वहाँ उनके विधायक क्षेत्र से अगर नागपुर पहुँचना है तो उनको कम से कम 10 से 15 घंटा लगेगा। तो कल का जो बैठक था वो एक तरह से मुंबई में जो चुने हुए विधायक था उनके लिए एक तरह से मुलाकात की बैठक थी। और आज भी अभी अभी पता चला कि राजनाथ सिंह आज मुंबई
मुंबई नहीं आ रहे हैं। मैं आपको कंफर्म के साथ कह सकता हूं कि राजनाथ सिंह आज मुंबई नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि दीपावली के बाद ही बीजेपी का विधायक दल का नेता चुने जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का कुछ एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स है जिसके तहत पार्लियामेंट बोर्ड के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं दो वो ही उनके विधायक दल के नेता को चुनते हैं। और कल तक जैसे ही हमारी बात हो रही थी भाजपा के यहाँ मुख्यालय में, बात ये थी कि दीपावली के दिन पूरे भाजपा के विधायक अपने कंस्टिट्यूएंसी में अपने कार्यकर्ताओं के सामने दिवाली मनाएंगे और जश्न मनाएंगे। यहाँ आपकी पार्टी ऑफिस में सिर्फ मुंबई के विधायक जितने हैं, 36 विधानसभा क्षेत्र है मुंबई में, कम से कम उनमें से 19 जीती है बीजेपी ने, तो वहाँ पे जितने भी विधायक है वहाँ आके उनके जश्न मनाएंगे। और शिवसेना से भी अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, कल आपने देखा है शिवसेना की तरफ से पूरी जिम्मेदारी उद्धव ठाकरे को दी गई है। अब जो भी बातचीत होगी या बैक चैनल में होगा या आपस में बैठ के बात करेंगे भाजपा के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य और उद्धव ठाकरे के बीच में ही होगा, वो आज या कल होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। जी अंदर खामे और सूत्रों से क्या जानकारी मिल पा रही है? शिवसेना हालांकि इस बात पर अड़ी हुई है कि वो अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करेगी, लेकिन किस तरह की शर्तें हो सकती हैं, किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ सकता है, क्या खबरें मिल रही हैं? भाजपा चाहती है कि उनके साथ शिवसेना आ जाए और शिवसेना भी चाहती है कि, क्योंकि शिवसेना पिछले 15 साल में अपोजिशन में रही, उनके लिए बहुत मुश्किल होगा अपनी पार्टी काडर को बनाए रखना, क्योंकि बहुत सारे जो जिला स्तर पे कार्यकर्ता थे पिछले 15 सालों में बीजेपी के साथ मिलजुल कर काम करते थे, तो असेंबली इलेक्शन के टाइम में शिवसेना से बीजेपी पे भी कुछ लोग गए थे, तो शिवसेना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार के साथ बनाए रखना। लेकिन नंबर्स क्योंकि बीजेपी के फेवर में है, बीजेपी एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट भी फॉर्म कर सकती है, हालांकि एनसीपी ने समर्थन किया है कि वो आउटराइट सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। इसका मतलब साफ तौर पर यह है कि जैसे कि हरियाणा का फॉर्मूला था जहां पे माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट करी थी और सस्टेन करी थी, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी होने की संभावना है, क्योंकि 120 से ज्यादा उनको सीट है और बाकी जो 3 राजनीतिक दल है वो आपस में एक दूसरे से उनका साथ में आना बहुत मुश्किल है, तो बीजेपी के लिए आसान है, बीजेपी टाइम और ले सकती है। जी राजकमल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये साफ है कि आज भी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा मुंबई नहीं जा रहे हैं, ये बैठक हो सकता है कि दिवाली के बाद हो। आइए सुनते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कहा है। सर दिवाली से पहले क्या सीएम बन जाएंगे महाराष्ट्र के? आज नहीं जा रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद दीपावली के बाद जाना पड़ेगा। तो तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन संकेत जरूर दिए हैं राजनाथ सिंह ने कि दिवाली के बाद हो सकता है वो मुंबई का दौरा करेंगे और उसके बाद ये बैठक होगी। बात हरियाणा की करते हैं। हरियाणा में बीजेपी विधायकों की आज बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक एम वेंकैया नायडू और दिनेश शर्मा विधायकों से बात करके अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करेंगे। राज्य में मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार होने से केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेने में समय लग रहा है। हरियाणा बीजेपी के नेता कल दिन भर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात करते रहे। इसका मकसद मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करना था। राज्य में इस पद के लिए कई दावेदार होने से केंद्रीय नेतृत्व की चिंताएं बढ़ गई हैं। विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व राय जान करके हम सब की भूमिकाओं को तय करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर ऐसा निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व देगा जो निर्णय हरियाणा की जनता के हित में होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए जिन नेताओं का नाम आगे है उनमें मनोहर लाल खट्टर, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु और राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। मनोहर लाल खट्टर और राव इंद्रजीत के इलाकों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय होगा, मेरा इसमें कुछ कहना नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड सुप्रीम हमारे हैं, जो निर्णय करेंगे हम सबको मैंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के नाते जब भी जो दायित्व मिला है उसको बहुत रुचि से किया है, हमेशा किया है। आगे जो दायित्व मिलेगा उसको करेंगे। जो MLA आज के दिन जीत करके भारतीय जनता पार्टी को ये ताकत दे रहे हैं, कुछ हमारे क्षेत्र के भी हैं। सो उनका जब मैं पहले MP रह चुका हूँ, वहाँ से मैं राजनीति करता आया हूँ, तो मेरे पास आकर के अगर ये उम्मीद करें कि भाई बीजेपी शायद हमको थोड़ा सा और मान सम्मान दे, तो मैं समझता हूँ कि हर एक क्षेत्र के लोग ये चाहेंगे ही। 90 सदस्यों वाली हरियाणा विधानसभा में पार्टी ने 47 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। INLD 19 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल बनी है। पिछले 10 साल से राज्य में सरकार चला रही कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। पार्टी को महज 15 सीटें ही मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV।
और हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर बने हैं, उनका हम रुख करते हैं। श्याम, कितना मुश्किल है, आज बैठक होनी है, वेंकैया नायडू पहुंच रहे हैं, कितना मुश्किल लग रहा है बीजेपी के लिए इस समय सीएम पद के लिए आखिरी नाम पर मुहर लगाना? क्या गेंद पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व के पाले में होगी, या फिर लोकतांत्रिक परंपरा का उदाहरण देते हुए विधायकों की रायशुमारी से ही आखिरी मुहर लगने वाली? प्रीति, दोनों बातें होंगी। आज 12 बजे चंडीगढ़ में मुलाकात होगी, पहले जो वहां के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वेंकैया नायडू मिलेंगे, और उसके बाद जो नए विधायक चुनकर आए हैं वो सारे विधायकों के साथ बैठक होगी और वो अपना नेता चुनेंगे। अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है, कल कई वरिष्ठ नेताओं से हरियाणा के जो दिल्ली में कैंप किए हुए थे उनसे हमारी बातचीत हुई, और हमें जो जानकारी मिली कि मनोहर लाल खट्टर इस पूरी रेस में सबसे आगे हैं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि वो लंबे समय तक, करीब करीब 4 दशक का उनका जो जीवन है वो आरएसएस में गया है, उनका स्ट्रांग बैकग्राउंड है आरएसएस का, और करीब पिछले 2 दशकों से वो बीजेपी में काम कर रहे हैं। और करनाल में अगर चुनावी आंकड़े भी अगर आप देखें तो करनाल में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो उस लिहाज से अगर देखें तो मनोहर खट्टर जरूर मजबूत नजर आते हैं इस रेस में, और बीजेपी के तमाम नेताओं से जो हमारी बात हुई उसमें भी मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो पहले स्थान पर नजर आते हैं। लेकिन ये बात जरूर है कि कल पूरे दिन लगातार बैठकों का दौर चला, हरियाणा के नेताओं के साथ बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप की मीटिंग चली, लेकिन ऑफिशियली किसी भी सूरत में कोई भी नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर नंबर 1 पे हैं, या राव इंद्रजीत या फिर कृष्णपाल जो दोनों केंद्रीय मंत्री हैं वो रेस में हैं या नहीं। उसकी बड़ी सीधी सी वजह है कि बिल्कुल ये संदेश नहीं देना चाहती है बीजेपी के केंद्रीय टीम के ऊपर से थोपा गया है, और चंडीगढ़ में जाहिर है कि आज एमएलए का एक बार जरूर रुख जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात प्रीति मैं जरूर कहना चाहूंगा कि नॉन जाट चीफ मिनिस्टर देने का भारी दबाव बीजेपी के ऊपर है, और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि 25 जाट उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे थे और उसमें से सिर्फ 7 उम्मीदवार जीत पाए थे, और जो 40 उम्मीदवार हैं वो नॉन जाट हैं। तो जाहिर है कि, और एक बड़ा इशू भी था ये कि हरियाणा के चुनाव में कि जो 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 नौकरियां मिली, जो विकास हुआ उसमें भेदभाव हुआ, उसमें क्षेत्रवाद हुआ, तो जाहिर है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को इस बात का एहसास है, और उसी तरह की चुनाव की रणनीति रही बीजेपी की। तो इस दबाव को ध्यान में रखते हुए और इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किसका नाम आज सामने आता है, इस पर आज आखिरी मुहर लग सकती है, मुख्यमंत्री का नाम सामने आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए उस तमाम जानकारी के लिए। और पिछले चुनाव में हुई कांग्रेस की हार के बाद सोमवार को पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में 2015 में होने वाले संगठन चुनाव को लेकर रोडमैप तैयार किया गया। बैठक में पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। लोकसभा चुनाव और उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस पार्टी की सोमवार को हुई बैठक कई मायनों में अहम रही। बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा के साथ साथ संगठन चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। 2015 में पार्टी के संगठन के चुनाव होने हैं, सदस्यता अभियान चल रहा है, उसकी क्या स्थिति है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समय पर पार्टी के चुनाव कराने हैं, इस पर चर्चा के लिए बैठक हुई थी। राज्यों के प्रभारी और महासचिवों की बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान को बढ़ाने पर खासा जोर दिया गया। इस दौरान पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पार्टी के संगठन स्तर के चुनाव अगले साल मई में होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद कैबिनेट ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों को फिर से विकसित करने को दी मंजूरी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैबिनेट ने कोयला खदानों की ई नीलामी के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है। इससे निजी और सरकारी कंपनियों की जरूरतें पूरी होंगी। पिछले महीने 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। कैबिनेट ने मंगलवार को कोयला क्षेत्र में सुधार का बड़ा फैसला लिया। अब कोयला खदानों की ई नीलामी होगी। पूरी प्रक्रिया 3 से 4 महीनों में पूरी हो जाएगी।
the first part of the ordinance is that as far as the state sector requirements are concerned, whether it is the organizations of the central government or the state government, that is organizations like the NTPC or state electricity boards, coal mines would be allocated to them. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 214 कोयला खदानों का आवंटन रद्द कर दिया था। इस अध्यादेश से सरकार इन खदानों का उनकी जमीन और संयंत्र समेत अधिग्रहण कर सकेगी। इस फैसले को बिजली, स्टील और सीमेंट क्षेत्र में बड़े सुधारों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। As far as the private sector is concerned, the actual users of cement, steel and power who apply a certain number of coal mines would be put in the pool and there would be an e-auction. देश में हर साल 2000 करोड़ डॉलर का कोयला आयात होता है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से कोयले का घरेलू उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे कोयला खदानों वाले राज्यों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड कैबिनेट ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों को फिर से विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में कल केदारनाथ में ही कैबिनेट की बैठक हुई। केदारनाथ को फिर से विकसित करने का जिम्मा बद्री केदार मंदिर समिति को दिया जाएगा। समिति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के साथ मिलकर इस काम को अंजाम देगी। केदारनाथ के आसपास फिर से निर्माण का काम 6 चरणों में होगा। इसमें रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग के बीच सड़क बनाना भी शामिल है। केदारनाथ मंदिर के 50 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा। पिछले साल आई बाढ़ में मंदिर और आसपास के इलाकों में भारी तबाही हुई थी। हम लोग जो है इंटरनेशनल कंसल्टेंट से ये तो लें डिजाइन आदि के विषय में, ताकि इम्पैक्ट स्टडी हो सके। यदि जून 2013 जैसी जल वो आता है तो उसको भी सहने की क्षमता के बाढ़ रोधक बनाए जा सके। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के वाकाटिप्पा में सोमवार को पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 9 महिलाओं समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में जख्मी लोगों को इलाज के लिए काकीनाडा के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना के जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। I am feeling very bad about it. Immediately I ordered inquiry. Collector will go through the inquiry. We are announcing 2 lakhs ex gratia for each deceased family. We will take firm action against the culprits. दिल्ली के धौलाकुआं गैंग रेप मामले में कोर्ट ने 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2010 के इस मामले में कोर्ट ने 14 अक्टूबर को सभी आरोपियों को दोषी करार दिया था। 5 दोषियों को पूर्वोत्तर की रहने वाली पीड़ित के अपहरण और गैंगरेप के मामले में सजा मिली है। दिल्ली के द्वारका फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 साल पहले धौलाकुआं में हुए गैंगरेप के मामले में दोषी ठहराए गए 5 आरोपियों को सोमवार को सजा सुना दी। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा के साथ अपहरण के लिए सश्रम 7 साल की और डराने धमकाने के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी दोषियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज साहब ने इनको गैंगरेप के लिए उम्र कैद की सजा दी है और अबडक्शन के लिए 7 साल जो कि मैक्सिमम पनिशमेंट है और गैंगरेप के अंदर भी मैक्सिमम पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो दिया है। द्वारका कोर्ट ने 5 आरोपियों को कॉल सेंटर की 30 साल की कर्मचारी से गैंगरेप के इस मामले में 14 अक्टूबर को दोषी ठहराया था। बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से गुजारिश में कहा कि दोषी युवा है और सुनवाई के दौरान वो 4 साल तक मानसिक पीड़ा झेल चुके हैं। हम इस जजमेंट से खुश नहीं है, वी वेलकम, लेकिन हम जजमेंट अदालत का रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन हम इसको हम चुनौती देंगे हाई कोर्ट में। 24 नवंबर 2010 को 5 लोगों ने पूर्वोत्तर की युवती का अपहरण करके उससे गैंगरेप किया था।
जब वो ऑफिस से एक दोस्त के साथ घर लौट रही थी। रविंद्र सिंह शरण, राज्यसभा टीवी। मंगल ग्रह की कक्षा में घूमने वाले नासा के तीनों यान, भारत का मंगलयान और यूरोपीय स्पेस एजेंसी का भी ऑर्बिटर मिशन रविवार को बाल बाल बचा। असल में इनके पास से एक धूमकेतु साइडिंग स्प्रिंग गुजरा, जिसकी छोड़ी गई धूल से इन्होंने खुद को बचाया। इस मुश्किल घड़ी में हर यान ने मंगल के माध्यम से ही अपना बचाव किया। साइडिंग स्प्रिंग आकार में छोटे पहाड़ जितना है। 2:27 पर यह मार्स के सबसे करीब से गुजरा था। इसकी स्पीड 2.03 लाख किलोमीटर प्रति घंटा थी। किसी नुकसान से बचने के लिए इसरो ने समय रहते मंगलयान की पोजीशन बदल ली थी। माना जा रहा है कि इस घटनाक्रम से ऑर्बिटर मिशनों को मंगल की कुछ दुर्लभ तस्वीरें लेने का मौका मिला है। इराक की राजधानी बगदाद समेत दूसरे शहरों में हुए अलग अलग आतंकी हमलों में 43 लोगों की मौत हो गई। बगदाद में एक आत्मघाती हमलावर ने एक मस्जिद के करीब धमाका किया, जिसमें 17 लोगों की जान चली गई। वहीं कर्बला में 4 कार बम विस्फोटों में 26 लोगों की मौत हुई। इससे पहले रविवार को इराकी राजधानी में मस्जिद को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले में 28 लोगों की मौत हुई थी। 2010 में अमेरिकी सैनिकों के इराक छोड़कर जाने के बाद देश सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO नाइजीरिया को आधिकारिक तौर पर इबोला मुक्त घोषित कर दिया है। ऐसा पिछले 42 दिनों में इस वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद किया गया। WHO के प्रतिनिधि रुई गामावाज ने अबुजा में इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि नाइजीरिया में इस बीमारी पर विजय पा ली गई है। WHO ने शुक्रवार को अफ्रीकी देश सेनेगल को इबोला मुक्त घोषित किया था। उधर यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की लग्जमबर्ग में बैठक हो रही है, जिसमें इस वायरस से बेहतर तरीके से निपटने की रणनीति पर विचार हो रहा है। पश्चिमी अफ्रीका में इबोला वायरस से 4,500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इसका प्रकोप लाइबेरिया, गिनी और सियरा लियोन में देखने को मिला है। इस साल सजावटी सामानों और देवी देवताओं की मूर्तियों को लेकर भारतीय व्यापारियों को चीन के सामानों से कड़ी टक्कर मिल रही है, लेकिन इस बार सस्ते और बेहतर गुणवत्ता होने की वजह से भारतीय पटाखों और दियों की मांग ज्यादा है। रोशनी और दीपों का त्योहार दीपावली हर साल देश भर में पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। त्योहार के दौरान घरों को खास तरीके से सजाया और सवारा जाता है। दीपावली पर घरौंदा और रंगोली की सजावट आधुनिकता के दौर में भी लोगों ने नहीं भुलाई है। ये त्योहार कारोबारियों के लिए भी खास होता है। दिवाली का काम जब आता है तो हम 1.5-2 महीने पहले लग जाते हैं इसमें हम काम करने के लिए, क्योंकि काफी चीजें होती है, हर तरह की अलग अलग आइटम होती है, तो सारे वो रेडी करनी पड़ती है। इस साल चीन के सामानों की मांग बाजारों में कम दिखाई पड़ रही है। इसकी वजह स्थानीय व्यापारियों से मिल रही कड़ी टक्कर और सरकार की अपील दोनों हैं। स्थानीय व्यापारी भी भारतीय सामानों को तरजीह दे रहे हैं। देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ साथ दूसरे भारतीय सामान कम कीमतों में शोरूम में उपलब्ध हैं। जो चीज इंडियन लुक में होगी वो लेंगे और देखने में भी अच्छी लगेगी। इंडियन चीज का पता चल जाता है कि ये इंडियन उसमें टच में है, तो वही मतलब लेने की सोच रहे हैं। इस साल बड़ी तादाद में लोग इको फ्रेंडली दीपावली मनाने के मूड में हैं। सरकार के दिशा निर्देश की वजह से भी लोग चीन में बने पटाखों को नजरअंदाज कर रहे हैं। ज्यादा लाइफ नहीं होती उनकी पटाखों की, बेकार हो जाते हैं कुछ टाइम बाद। इंडियन पटाखे अपने बेस्ट हैं और आज भी बेस्ट हैं और आगे भी फ्यूचर में भी बेस्ट रहेंगे। इस साल चीन की लाइट्स की मांगों में कमी आई है। लोग परंपरागत दिए और सजावट के दूसरे सामानों को तरजीह दे रहे हैं। पिछली दिवाली में डिमांड काफी ज्यादा थी, काफी रश भी था, इस बार इतनी सेल नहीं लेट होगी, मतलब ये मान लो 50% भी नहीं इससे। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया कैंपेन का असर भी बाजारों पर दिख रहा है। I would agree to this, like the Make in India campaign, what we have launched like 2 months back has a significant impact on the economy. So if you really go by the past, let's take a case in example of electronics hardware. So as of now, you know, 65% of the overall demand of electronics hardware we are importing mostly from China. And if we really go by these numbers, so probably we would surpass the overall import of oil expenses in 2020. धनतेरस और दीपावली के करीब होने से बाजार की रौनक बढ़ गई है। स्मृति रिस्तोगी,
राज्यसभा टीवी। 60 के दशक में अपने अनोखे अंदाज से हिंदी फिल्मों की दुनिया में राज करने वाले शम्मी कपूर की आज जयंती है। वो सही मायने में हिंदी सिनेमा के पहले डांसिंग स्टार थे। उन पर फिल्माए गए नगमे आज भी लोगों की जुबान पर हैं। आइए याद करते हैं शम्मी कपूर जी को। आज की इंटरनेट की दुनिया ने जब याहू नाम गढ़ा भी नहीं था, उससे करीब 40 साल पहले हिंदी फिल्मों में याहू की हुंकार करते हुए एक हीरो ने दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज कर लिया था। ये शख्स थे शम्मी कपूर। कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में गिरे हैं। हालांकि शम्मी कपूर की शुरुआती फिल्मों में उन्होंने संजीदा रोल किए, लेकिन वो फिल्में ज्यादा चली नहीं। ये बात उस वक्त की है जब उनके भाई राज कपूर और दिलीप कुमार का सिक्का चलता था। शम्मी कपूर को पहली हिट फिल्म दी नासिर हुसैन ने, जब उन्होंने उन्हें तुमसा नहीं देखा में कास्ट किया। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुमसा नहीं देख। उनकी दूसरी हिट फिल्म रही दिल देके देखो। इन दोनों ही फिल्मों में उन्होंने एक बिंदास प्रेमी की छवि बना ली थी। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी, ओ दिल लेने वालों दिल देना सीखो। 1961 में फिल्म जंगली ने तो उन्हें बाकायदा स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो, कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। मोहम्मद रफी के गीत और शम्मी कपूर के डांस स्टेप एक हिट फॉर्मूला बन गए थे। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। कश्मीर की कली, चाइना टाउन, जानवर और तीसरी मंजिल उनकी कामयाबी का एक उदाहरण है। जैसे जैसे उम्र ढली, शमी साहब ने चरित्र रोल करने शुरू कर दिए। यहाँ भी उनकी कद्दावर उपस्थिति सीन में जान डाल देती थी। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म रॉकस्टार में भी एक संगीतकार का रोल किया। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था। इस तरह शम्मी और संगीत का रिश्ता जिंदगी भर चलता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में दिवाली के बाद होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक, पार्टी करेगी सरकार बनाने का दावा, पर गठबंधन को लेकर असमंजस बरकरार। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद की रेस में एमएल खट्टर और राव इंद्रजीत सिंह के नाम सबसे आगे, आज होगी विधायक दल की बैठक, दिवाली बाद हो सकता है शपथ ग्रहण। ई नीलामी से होगा कोयला खदानों का आवंटन, सरकार ने अध्यादेश लाने को दी मंजूरी, कोयला आयात पर घटेगी निर्भरता। मंगल ग्रह से गुजरते साइडिंग स्प्रिंग धूमकेतु से बाल बाल बचे भारत, अमेरिका और यूरोप के मंगलयान, इसरो ने बचने के लिए किया था ऑर्बिट पाथ करेक्शन। धनतेरस में बढ़ी बाजारों की रौनक, मेक इन इंडिया सामानों की मांग में तेजी, फीका पड़ा विदेशी सामानों का आकर्षण।